हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेहुल है और आपका मेरे चैनल EMS टेक्नोलॉजी पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम गूगल असिस्टेंट की मदद से कैसे LEDs को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम गूगल असिस्टेंट की मदद से कैसे हमारे होम अप्लायंसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है, इसके अंदर हम गूगल असिस्टेंट और NodeMCU को इनडायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसके लिए कहा क्योंकि गूगल असिस्टेंट और NodeMCU के अंदर कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहेगा। इसके अंदर और दो स्टेप रहेंगे जो है Adafruit IO और IFTTT। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यूज़ किया था ब्लिंक ऐप को जिससे मैंने बटन्स बनाए थे, इस बार मैं बटन्स बनाने के लिए Adafruit IO को यूज़ करूँगा। Adafruit IO है वो हमारे NodeMCU के साथ कनेक्ट रहेगा, और Adafruit IO और गूगल असिस्टेंट के अंदर लिंक करने के लिए हम IFTTT को इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो अकाउंट से आपने गूगल असिस्टेंट के अंदर साइन इन किया है वही अकाउंट से आपको Adafruit IO और IFTTT के अंदर भी साइन इन करना है। ये सब स्टेप्स की डिटेल मैंने ये वीडियो के अंदर दिखाई हुई है, तो ये वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखना, और आपको कोई स्टेप समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करने जा रहे हैं NodeMCU, मिनी ब्रेडबोर्ड और LED। सर्किट डायग्राम की हेल्प से हम इसके कनेक्शंस कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम NodeMCU को प्रोग्राम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो ब्राउज़र होगा उसे ओपन कीजिए और सर्च में Adafruit IO सर्च कीजिए और फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अपर राइट कॉर्नर में गेट स्टार्टेड फॉर फ्री मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको आपकी साइन इन डिटेल्स पूछेगा, तो आप इसे फिल कर दीजिए। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। ऊपर के साइड मेन्यू बार में आपको IO बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और एक्शन पे क्लिक करके न्यू डैशबोर्ड बनाइए और आपके प्रोजेक्ट के डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद आपने जो डैशबोर्ड बनाया है उसके ऊपर क्लिक करके डैशबोर्ड को ओपन कीजिए। राइट कॉर्नर में आपको एक प्लस सिंबल मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके टॉगल बटन बनाइए और उसके फीड नेम LED1, LED2 और LED3 दे दीजिए। उसके बाद LED1 पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे ब्लॉक नेम LED1 दीजिए, ऑन स्टेट को 1 दीजिए और ऑफ स्टेट को 0 दीजिए और इसको क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक कर दीजिए। वैसे ही LED2 और LED3 के साथ भी करें। तो लीजिए, हमारे टॉगल बटन तैयार हो गए हैं। अभी हमारी IFTTT की प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। गूगल सर्च बार में IFTTT को सर्च कीजिए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे भी आप अपने साइगअप कर दीजिए। साइगअप करते हुए ये ध्यान रखें कि जो ID से आपने गूगल असिस्टेंट में साइन इन किया है और Adafruit IO में साइन इन किया है वही ID से इसके अंदर भी साइन इन करें। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी विंडो पॉपअप होंगी, स्क्रॉल डाउन करें और क्रिएट योर ओन पर क्लिक करें और इफ दिस पे क्लिक करें और सर्च कीजिए गूगल असिस्टेंट को।
और फर्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ही आपको क्या कमांड देनी है और आपको क्या रिस्पांस चाहिए वो पूछेगा, तो आप उसे फिलअप कर दीजिए। मैंने यहाँ पे कमांड दी है टर्न ऑन ब्लू एलईडी, वो आपको और दो कमांड पूछेगा कि आप उसकी जगह पे और क्या बोलना चाहते हैं, और एक रिस्पांस पूछेगा। तो रिस्पांस में मैंने लिखा है ओके मेहुल टर्निंग ऑन ब्लू एलईडी। उसके बाद क्रिएट ट्रिगर पे क्लिक कीजिए और प्लस दैट पे क्लिक करें और यहाँ पे एडाफ्रूट आयो में जाए तो हम इसकी परमिशन अलाउ कर देंगे। फीड नेम में एलईडी वन चूज किया और डाटा टू सेव में वन सेंड कीजिए और क्रिएट एक्शन कर दीजिए। उसके बाद आपको राइट कॉर्नर में एक्सप्लोर मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और सेम प्रोसेस को रिपीट करिए। इस बार हम एलईडी ऑफ के लिए ट्रिगर बना रहे हैं, इसके लिए इस बार ऑन की जगह पे आप ऑफ लिखिएगा। ऑफ के लिए मैंने कमांड दी है टर्न ऑफ ब्लू एलईडी। और रिस्पॉन्स के अंदर मैंने लिखा है ओके मेहुल टर्निंग ऑफ ब्लू एलईडी। इस बार वापस हम एलईडी वन को सिलेक्ट करेंगे और डाटा टू सेव में जीरो लिख देंगे और क्रिएट एक्शन कर दीजिए। वैसा ही आप अभी सब ट्रिगर बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सभी ट्रिगर बना लिए हैं, यहाँ पे टोटल 6 ट्रिगर बने हुए हैं। तो अभी हम हमारे नॉड एमसीयू को प्रोग्राम कर लेते हैं। इसके लिए एड्रेनो ऐप ओपन कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड की लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए और ये कोड को एड्रेनो सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद हम इसके अंदर लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। उसके लिए स्केच पे क्लिक करके इंक्लूड लाइब्रेरी में जाइए, ऐड जिप लाइब्रेरी, और जहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है उसको नेविगेट करके ओपन कर लीजिए। लाइब्रेरी की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके अंदर आपका वाईफाई SSID और पासवर्ड चेंज कर दीजिए और एडाफ्रूट आयो की भी चेंज कर दीजिए। एडाफ्रूट आयो की आपको एडाफ्रूट आयो की साइड पे अपर राइट कॉर्नर में की का सिंबल होगा वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप उसे यहाँ से कॉपी करके एड्रेनो सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट कर दीजिए और कोड को अपलोड कर दीजिए। कोड को अपलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ऊपर ले। हे गूगल। नमस्ते। हाउ मे आई हेल्प? टर्न ऑन ब्लू एलईडी। Turning on blue LED. Turn on green LED. Okay, Mehul turning on green LED. Turn on red LED. Okay, Mehul turning on red LED. Turn off red LED. Okay, Mehul turning off red LED. Turn off blue LED. Okay, Mehul turning off blue LED. Turn off green LED.
Okay, Mehul turning off green LED.